आज बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार सत्ता हासिल की है। सबसे पहले मैं बेंगलुरु महानगर की जनता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता श्री अनंत कुमार जी, श्री अशोक जी, सदानंद गौड़ा जी और बेंगलुरु के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने फिर से एक बार बेंगलुरु की जनता का विश्वास संपादित किया है। 30 साल के बाद पहली बार कर्नाटक में ऐसा हो रहा है कि राज्य सरकार में सत्ता किसी एक पार्टी की है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी एक पार्टी के पास है। यही बताता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसकी लोकप्रियता और उसके कामों की सराहना आज भी जनता 2014 की तरह ही कर रही है। और एक बहुत बड़ी विफलता है और कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक जनता का जनादेश है। मैं यहां से फिर से एक बार बेंगलुरु की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक योग्य निर्णय किया है। बेंगलुरु की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता का विश्वास संपादित कर फिर से एक बार बेंगलुरु की जनता की सेवा करने के लिए अधिकार प्राप्त किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें कर्नाटक का ये मूड निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। कानून बदलने से, चुनाव लेट करने से जनता के रोष से भागा नहीं जा सकता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इससे सीख लीजिए तो आगे पर जनता आपको समर्थन देने की कुछ संभावनाएं भी बढ़ेगी। धन्यवाद सर। ट्राइफर्केशन की जो बात की जा रही है कर्नाटक सरकार ने, सर